जी, क्या ये कीमत बहुत ज्यादा चुका रहे हैं नीतीश, एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर, और ये उम्मीद पालकर कि मोदी जी उन्हें उपराष्ट्रपति बना दें? केंद्र में मंत्री तो कभी भी बन जाते, कभी भी बना दिए जाते, फिर तो उन्हें पार्टी छोड़ के, मतलब पिछला गठबंधन तोड़ के यहाँ आने की भी जरूरत नहीं थी। वो प्रस्ताव उन्हें उस समय भी मिला होगा कि आप मुख्यमंत्री छोड़िए, बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, वो बड़ी पार्टी है, आप केंद्र में मंत्री बने, ये प्रस्ताव उन्हें पहले भी मिला होगा। लेकिन अब जो जिस हालत में वो जा रहे हैं, मतलब उन पर एक धोखेबाजी का, गद्दारी का, बेवफाई का एक वो भी लग गया, तंगा भी लग गया कि ऐन वक्त पर जब वो विपक्ष के लिए काम कर रहे थे, उसे धक्का देकर, झटका देकर आप अचानक वहां चले गए। ये जो कीमत है, ये कितनी ज्यादा है? धन्यवाद मुकेश जी। देखिए, आपने जो बात कही है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। और असल में ये धक्का बिहार को नहीं लगा है। अभी प्रेम जी ने जो कहा कि ये बहुत, इस घटना का एक राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक आकार हमारे सामने प्रस्तुत होगा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि देखिए, हम लोग जब इंडिया गठबंधन बना था, तो हम सारे आपके हमने चर्चाओं में लगातार हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी वही है जिसमें पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष का आकार एक संतुलित शेप में हो। तो इंडिया जब एक शेप ले रहा था, तो हम लोग शायद थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे थे कि अब ये कई दशकों के बाद शायद अपोजिशन को अब ये समझ में आ रहा है कि एक दो ध्रुव भारतीय राजनीति में बन रहे हैं वैचारिक आधार पर। एक भारतीय जनता पार्टी का ध्रुव है जिसमें उसके कुछ चंद सहयोगी हैं, अब तो घटते जा रहे हैं सारे, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एक बड़े गठबंधन के रूप में उभर रहा था। तो ये हम लोगों को लग रहा था कि हाँ, भारतीय राजनीति अब थोड़ी सी परिपक्व लोकतंत्र की दिशा में आगे जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार का जो ये कदम हुआ है, मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता दूं, मैं आपकी चर्चाओं में भी लगातार सत्य हिंदी के अन्य कार्यक्रमों में कहा है कि मैंने नीतीश कुमार पर कभी भरोसा नहीं किया। और आप ये मान के चलेंगे कि भारतीय सियासत में नीतीश कुमार का नाम भजनलाल की तरह लिया जाएगा या रामविलास पासवान की तरह लिया जाएगा कि उनको अब कोई याद भी नहीं करना चाहता, तो एक बात अलग है। लेकिन पहली बात तो यह है कि अब नीतीश कुमार की सियासी प्रतिबद्धता पर, उनकी निजी साख पर अब ऐसे बड़े सवाल विकराल आकार के खड़े हो गए हैं कि उन पर कोई भी दल अब शायद भरोसा करना पसंद नहीं करेगा। इंडिया में आए थे तब भी हम उनका बैकग्राउंड जानते थे कि वो 3 बार बीजेपी के साथ जा चुके थे। नैतिक धरातल उनका कमजोर पहले से ही था, लेकिन अब इस घटना के बाद तो उनका कोई नैतिक रूप, चेहरा, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, हम एक ऐसा स्याह और एक चेहरा देख रहे हैं जिनके साथ में कोई यश की पूंजी नहीं है। दूसरी बात ये देखिए कि एक अजीब सा ये कदम है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई ब्लैकमेलिंग उनके साथ हो रही है या क्या हो रही है। हम 2015 में अगर देखें तो जेडीयू जिस आकार में थी जब इलेक्शन हुआ था बिहार विधानसभा का, तो अगर मुझे ठीक याद है तो 71 या 72 सीटें उनके पास आई थी। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका ये हुआ और चिराग पासवान के कंधे पर रखकर बीजेपी ने अपने ही सहयोगी दल जेडीयू पर बंदूक चलाई, तो वो 43 सीटों पर सिमट गए। यानी पिछले चुनाव में वो और दुर्बल आकार में आ गए, और उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, तभी से ये बात कही जाने लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी इस उपकार का बदला उनसे जरूर लेगी। और उन्होंने तब ये सेफ रखते हुए फिर वो बाद में आरजेडी के साथ गए। एक बार फिर उनका ये आत्मघाती कदम है जो उन्होंने उठाया है। मैं एक गणित आपको बताता हूं कि देखिए, जेडीयू के तीसरा कारण जो है, जेडीयू के बिना बीजेपी के पास कितना परसेंट वोट था? 22% उनका अपना वोट था, अगर मुझे ठीक याद है तो बीजेपी के 24% वोट था, और बाकी हम मान लेंगे छोटा मोटे जो दल हम वगैरह जो थे, या जो 5-6% और हैं, तो 28-30% वोट आने वाले लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी के साथ हो सकते थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ये जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का जो वोट बैंक मिलकर आ रहा था वो 46% था। तो लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी जाती तो 16% का अंतर बहुत बड़ा अंतर था, और बीजेपी के लिए ये पाटना संभव नहीं है, संभव नहीं था। तो अब अगर वो हट जाता है तो भी अभी भी मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के जेडीयू के साथ जो है, आरजेडी और कांग्रेस का 46%
और जेडीयू के बिना 30%, 16% का अंतर अभी बढ़कर के करीब करीब 51% बढ़ जाता है, जबकि जेडीयू बीजेपी के साथ जा रही है। लेकिन अब 24-25% तो अभी भी इंटैक्ट वोट है जो उनके खिलाफ है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि भारत का मतदाता और खासतौर पर बिहार का मतदाता इतना मासूम, इतना भोला, इतना मूर्ख है कि जो नीतीश कुमार की बार बार पलटती इन पारियों से कोई दुखी नहीं होगा? चले चाहे भले ही उनका कोई जाति या अपना वोट बैंक क्यों ना हो, जिसके आधार पर वो बड़ा गर्व करते हैं कि 22% वोट उनके पास है या 19% वोट उनके पास है, तो मुझे लगता है कि वो मतदाता भी दुखी हुआ है जिसने नीतीश कुमार को एक प्रतिपक्ष के गठबंधन के रूप में एक उभरते हुए सितारे की तरह देखा था। जी मुकेश जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।